नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. ये डायग्राम बहुत सिंपल है, सिर्फ ये बता रहा है कि अगर आपके पास ये करंट कैरिंग वायर है, आप अपने थंब को करंट कैरिंग वायर के साथ रखें, चार फिंगर जो इसमें आप घुमाएंगे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं. ये रिजल्ट हमने किया हुआ है. तो अब हम करेंगे एक लॉ जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ACL. ACL. अब बायट सर्वेट लॉ की एक प्रॉब्लम है. बायट सर्वेट लॉ की ये प्रॉब्लम है कि ये आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के तो देता है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देता है, कंप्लीट निकाल के नहीं देता. कंप्लीट निकालने के लिए आपको हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ती हैं. तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, ठीक है यार बायट सर्वेट लॉ आ गया. वो कहता हाँ जी मैं बी निकाल सकता हूँ. अब अगर वो बी निकाल सकता है तो क्या वो हर जगह पे बी निकाल सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है. अगर मैं उस स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछूं कि मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, इसके एक्सिस के ऊपर मुझे बी निकाल के दिखा, बायट सर्वेट लॉ कर देगा ये, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के साथ करेगा. हमें तो छोटी मोटी वायर स्ट्रेट या रिंग के लिए आता है, ऐसी वायर के लिए थोड़ा आता है बी निकालना. पर फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, बायट सर्वेट लॉ से हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत लंबी करनी पड़ती है. सेकेंड, सपोज करो अगर ये फिगर गिवन हो, इसको टोराइड बोलते हैं, टोराइडल सोलेनोइड, इसको सोलेनोइड बोलते हैं, इसके अंदर बी निकालना है, वो भी बायट सर्वेट लॉ बहुत मुश्किल है इंटीग्रेशन करनी, इसकी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ना. फिर थर्ड, किसी ने कहा कि एक वायर है, एक थिक वायर है, मोटी वायर है, इसके अंदर करंट है. हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो थिन वायर पे करते हैं, हमने थिकनेस तो ली नहीं. इसके अंदर बी निकाल के दिखाओ अलग अलग जगहों पे, इसके अंदर, क्योंकि थिन वायर के अंदर तो होता नहीं, थिक वायर के अंदर तो बी होता है. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बायट सर्वेट लॉ नहीं कर पा रहा. जैसे सपोज करो एक शीट है, एक शीट के अंदर करंट जा रहा है, एक शीट के अंदर करंट जा रहा है, इस शीट के आर डिस्टेंस ऊपर बी निकाल के दिखाओ, नहीं कर पाएगा बायट सर्वेट लॉ. तो इसके लिए कौन सा लॉ सीखना पड़ेगा? एक और लॉ जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. तो एम्पियर सर्किटल लॉ उन जगहों पे बी निकाल सकता है जहां पर बायट सर्वेट लॉ बहुत टफ हो जाएगा. एम्पियर सर्किटल लॉ दो लाइन में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा. आपको सेम फीलिंग आ रही होगी जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ करता था, क्योंकि कूलम लॉ हमने किया पॉइंट चार्जेस के लिए किया, स्फीयर शेल के लिए कूलम लॉ नहीं चल पा रहा, तो गॉस लॉ ने काम आसान किया. बायट सर्वेट लॉ किया, स्ट्रेट वायर और रिंग के लिए किया, कॉम्प्लेक्स फिगर आई, फेल हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ आ गया. तो हमने उसमें क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले सीखा गॉस लॉ क्या है लॉ, फिर हमने सीखा प्रूफ, फिर हमने की एप्लीकेशंस. इसमें क्या करेंगे, क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, उसका प्रूफ, और फिर करेंगे एप्लीकेशन, सेम काम है. तो सबसे पहले क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ करने से पहले एक लाइन इसमें यूज होती है, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल का मतलब मैथ्स में होता है लेंथ वाइज इंटीग्रेशन. मतलब अगर पीछे डीएल के साथ इंटीग्रेशन हो, इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल है. एक होता है सरफेस इंटीग्रल. सरफेस इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, सरफेस एरिया. जो फ्लक्स था वो सरफेस इंटीग्रल था क्लोज बॉडी का, ये लाइन इंटीग्रल है क्लोज बॉडी का. तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ सिंपल लाइन में ये कहता है कि आपके पास अगर मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके आसपास अगर आप एक क्लोज्ड पाथ बना लें. तो मैंने पूछा कि क्लोज्ड पाथ बनाने का मतलब क्या हुआ? तो क्लोज्ड पाथ का मतलब है कि आप कोई भी यहां पर एक क्लोज्ड कोई भी एक रास्ता बना लें, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो सर्कल ना हो, उससे कोई फर्क ना पड़ता. तुम कैसे मर्जी बना लो, आप स्क्वायर बना लो, जैसे मर्जी बना लो, कोई फर्क नहीं. तो एक स्ट्रेट वायर है, उसके आसपास अगर आप कोई भी एक क्लोज रास्ता बना लो, जैसा मर्जी बना लो, जानबूझ के सर्कल बनाया मैंने, क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना मेरे लिए ईजी है, अदरवाइज आप कोई भी निकाल सकते हो. तो अगर आप एक करंट कैरिंग वायर लें, इसके आसपास के क्लोज्ड पाथ बनाएं. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये भी करंट है ना, ये करंट नहीं है. करंट तो बस यही है, ये क्लोज्ड रास्ता है जो मैंने क्लॉकवाइज बना रखा है. इवन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करें, वो भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही तो बनती हैं.
तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर आपने एक और क्लोज पाथ बना दिया, फर्क क्या पड़ता है? तो अगर आप इस क्लोज पाथ का एक छोटा सा एलिमेंट लें डीएल, एक रास्ता लें, एक एलिमेंट लें डीएल, और मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर टेंजेंशियल है ही है, और आप यहाँ पर बी डॉट डीएल निकाल लें, यहाँ पे बी डॉट डीएल, फिर यहाँ पे बी डॉट डीएल, फिर यहाँ पे बी डॉट डीएल, फिर यहाँ पे बी डॉट डीएल, पूरे क्लोज पाथ के लिए बी डॉट डीएल निकालते जाएं, तो यानी कि इंटीग्रेशन कर दें बी डॉट डीएल की, और इंटीग्रेशन के आगे ये सर्कल का मतलब क्लोज इंटीग्रेशन है क्योंकि क्लोज पाथ है। तो क्लोज इंटीग्रेशन अगर आप करें बी डॉट डीएल की, तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट टाइम्स इस क्लोज पाथ के अंदर कितना करंट जा रहा है आए उसके इक्वल आएगा। आपको सेम फीलिंग आएगी जैसे गॉस थ्योरम में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी की जगह ई, इसकी जगह क्या था डीएस, 1/ε0 इंटू चार्ज, बिल्कुल सेम ही तो चल रहा है। यहाँ उसमें क्लोज्ड सरफेस एरिया था, इसमें क्लोज्ड पाथ है, उसमें चार्ज था, इसमें करंट है, इसमें म्यू नॉट है, उसमें 1/ε0 है, उसमें ई था, इसमें बी है, डीएस था, डीएल है। तो पहले हम इस बात को प्रूव करेंगे, फिर इसको यूज करके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को बचाते हुए सीधा बी की वैल्यू कॉम्प्लेक्स फिगर में निकाल लेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप एक करंट कैरिंग वायर लें, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर लें, इसके आसपास एक क्लोज्ड पाथ बनाएं, चलो सर्कल बना दें ऑफ रेडियस आर, कोई भी एक एलिमेंट लें डीएल, डीएल टेंजेंशियल है और बी भी टेंजेंशियल है, इस पॉइंट पर बी की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट वायर की, म्यू नॉट बाय 4π2i डिवाइडेड बाय आर होगी। आप यहां पे बी डॉट डीएल निकाल लें, बी और डीएल में एंगल क्या है जीरो, तो बी डीएल कॉस जीरो, और इसको इंटीग्रेट करें पूरे क्लोज पाथ के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 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 क्लोज पाथ के लिए आपको क्या देगा 2πr। बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पुट करें 4π2πr से आर कैंसिल, आंसर आ गया म्यू नॉट इनटू आई। तो आप चेक कर लें करंट कैरिंग वायर के आसपास जब आपने बी और डीएल लिया, बी डीएल बी डीएल बी डीएल का मतलब बी डीएल की इंटीग्रेशन की, तो आंसर आपके पास यही आया। पर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने चालाकी की, आपने जानबूझ के क्लोज पाथ सर्कल लिया क्योंकि आपको पता था कि सर्कल की वजह से 2π2π आर और आर कैंसिल होगा, तो कोई बात नहीं, सेकेंड प्रूफ है, तुम सर्कल मत लो, तुम कोई भी आर्बिटरी पाथ ले लो, कोई बात नहीं, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके आसपास कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, तुम इस टेढ़े मेढ़े पाथ के एलिमेंट लो DL1 DL2 DL3 DL4 एंड सो ऑन, हर एलिमेंट यहां पर एंगल बना रहा है D θ1 D θ2 D θ3 एंड सो ऑन, रेडियस हर एलिमेंट का डिफरेंट है R1 R2 R3 एंड सो ऑन। इस सेक्टर में, इस सेक्टर में, या ये जो एंगल है टोटल एंगल सबटेंडेड सेंटर पे क्या आने वाला है 2π, मालूम है आपको, इस सेक्टर में एंगल इज आर्क बाय रेडियस D θ1 इज DL1 बाय R1, सेकेंड सेक्टर में D θ2 DL2 बाय R2, एंगल इज आर्क बाय रेडियस लें, और अब शुरू करें बी डॉट डीएल निकालना क्लोज्ड पाथ का, पूरे पाथ का बी डॉट डीएल क्या निकलेगा, इस सरफेस के लिए B1 डॉट DL1, इसके लिए B2 वेक्टर डॉट DL2 वेक्टर, B3 वेक्टर डॉट DL3 वेक्टर एंड सो ऑन। एंगल बी और डीएल में हमेशा जीरो ही बनता है, तो ये टर्म आ गई। बी का फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4π2i बाय R1, तो यहाँ पे क्या होगा 2i बाय R2 2i बाय R3 एंड सो ऑन। यहाँ से टर्म्स कॉमन आ गई, आर्क बाय रेडियस एंगल, आर्क बाय रेडियस एंगल, टोटल एंगल का सम फिर 2π 2π 4π कैंसिल, तो आंसर फिर से क्या आ गया म्यू नॉट इनटू आई। तो आपको मानना पड़ेगा कि चाहे आप क्लोज पाथ सर्कल लें या ना लें, बी डॉट डी एल क्लोज पाथ के लिए हमेशा आंसर क्या देगा म्यू नॉट इन टू आई। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसीलिए एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लेंथ वाइज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम, क्योंकि म्यू नॉट है तो वैक्यूम, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग इन अ क्लोज पाथ, कितना करंट जा रहा है क्लोज पाथ में उसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इनटू आई के इक्वल होगा। तो ये है स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किट लॉ।